हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों में एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, ट्राई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, न्यूजीलैंड में, जो कि एक ही ग्राउंड में होगी, हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च में। ये ट्राई सीरीज जो है ना, बहुत लंबे समय बाद हो रही है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा आखिरी बार कब हुई थी। अगर मुझे ध्यान आ रहा तो उसमें भी शायद पाकिस्तान ही इन्वॉल्व था। मेरे ख्याल से 2018 में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज हुई थी। उसके बाद कोई हुई है, मुझे ध्यान नहीं आता। खैर, ट्राई सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, और मेरे ख्याल से आईसीसी या सभी बोर्ड्स ने इस बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बाइलेटरल खेलते हो, दो देश आपस में खेलते हैं, उससे समय भी जाता है आपका और एक्साइटमेंट उतनी नहीं होती है, पर ट्राई सीरीज में एक हमेशा एक फाइनल वाली फीलिंग रहती है। तो और इससे क्या हो सकता है ना, अगर मान लो तीन देश सीरीज खेले आपस में, तो बाइलेटरल में खेलने का जो समय है बचेगा। लेट सपोज पहले अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दौरा करती, फिर बांग्लादेश का दौरा करती, अभी तीनों यहाँ खेलने के साथ, तो टाइम बच गया दोनों का, ठीक है, तो रोटेट करके ये खेल सकते हैं और ये इंटरेस्टिंग भी रहता है। मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग कि ये ट्राई सीरीज को बंद कर दिया उन्होंने और बाइलेटरल को चला के रखे हैं। चलिए बात करते हैं फिलहाल हम कि हमें इस सीरीज की एक्सपेक्टेशन है, कौन जीत सकता है वगैरह वगैरह। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, और आप बिना समय कर दो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बात करते हैं स्क्वाड की, तो स्क्वाड देखो मोटा मोटी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, पाकिस्तान की वही टीम है ये, और ये वर्ल्ड कप के लिए भी सेम टीम है इनकी। तो टीम के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। बाबर आजम रिजवान ओपनिंग पे आते हैं, उसके बाद हैदर अली दे रखे हैं, आसिफ अली। टीम की बात करें, देखो मोटा मोटी सीधी सी बात है, ये एक बॉलिंग हैवी टीम है, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। ये एक बॉलिंग हैवी टीम है, बैटिंग इनके बस का काम नहीं है। इनमें पूरे पाकिस्तान में ना गिनती के T20 प्लेयर हैं। एक आसिफ अली है जो जिसको ये लोग बचा के रखते हैं, पता नहीं कौन से बैंक में सेव रखते हैं उसको, कि हाँ उसको तब लाएंगे जब बिल्कुल हमें 20 का रन रेट चाहिए होगा, ठीक है, तो इसको तो खत्म कर दिया उन्होंने। एक शर्जील खान उसको खिलाते नहीं है, वो डोमेस्टिक में खेलता है, इतना अच्छा मारता है वो मोटा। एक मोटा और इनके पास आजम खान, वो भी नहीं खेलता है, तो क्या खेलते हैं? इसलिए अभी आपने रिसेंटली सुना होगा पर्ची पर्ची करके नारे लगे खुशदिल शाह के लिए। जो खुशदिल है वो सिर्फ दिल खुश करता है उनका, जो बुकी लोग हैं, पंटर का तो ये हमेशा खून सफाई करता है। तो मोटा मोटी बात, बॉलिंग से ये लोग मैच जीते जीते, बैटिंग से ये लोग मैच नहीं जीतेंगे। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की टीम जो है T20 में मेरे हिसाब से मिसफिट टीम है एक, ठीक है। T20 गेम होता है पावर हिटर्स का। अब मैं आपसे सामने नाम लूंगा पावर हिटर, मेरे को बताना तेरा कौन है। शाकिब अल हसन, शब्बीर रहमान, मेहंदी हसन, मिराज, आफिफ हुसैन, मोसादिक हुसैन, लिट्टन दास। लिट्टन दास एक प्लेयर है जिसको आप बहुत तो तेज खेलता है, वो ओपनिंग बात है बस, उसके बाद इनमें हिटर है ही नहीं। तो ये T20 के लिए पूरी मिसफिट टीम है। सौम्य सरकार को उन्होंने रखा हुआ है स्टैंड बाई में 17वें नंबर पे। देखो तो सौम्य सरकार लेटन दासी का एक मेरे ख्याल से रेप्लिका है, मानो अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, पर वो उसको रखा हुआ है स्टैंड बाई में, उससे ऊपर ही बाकी सब खेल रहे हैं। तो आप T20 में इनका भविष्य क्या आप जान लो। ये टीम भी बॉलिंग हैवी टीम है, अगर ये टीम बॉलिंग में कुछ करते बैटिंग से इनके उसके जीतना नहीं है, ठीक है। बॉलिंग में ये माइट भी 150 डिफेंड कर दे, सेम लाइक पाकिस्तान के बॉलिंग में 150 डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में इन लोगों से 165 अबव स्कोर चेज करना भारी पड़ जाएगा छह टीमों के अगेंस्ट, ये लोग नहीं कर पाएंगे। सो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इन पे है भी नहीं। बॉलिंग में आप जरूर कह सकते हैं, जैसे नसूम अहमद इनके पास अच्छा है, हसन महमूद अच्छा है, तस्कीन अहमद अच्छा है, मुस्तफिजुर तो अच्छा है ही है, तो बॉलिंग में आप ट्राई कर सकते हो, ये कभी स्कोर डिफेंड कर रहे हो वहाँ पे इनके ऊपर बैठने का। बैटिंग में तो भैया भरोसा मत करना इनके ऊपर। बात करते हैं द ग्रेट केन, कैप्टन कूल विलियमसन की। ये आईपीएल में इतना कूल हो गए थे कि इनको भूल गए भाई साहब, गर्म भी होना होता है, रन बनाने होते हैं, भूल गए भाई साहब ये। तो इनकी टीम की बात करें, यही टीम इनकी वर्ल्ड कप में भी है। विलियमसन बैटिंग बात करें, विलियमसन, सैट फिलिप्स, नीशम, मिचेल, गुप्टिल और कॉनवे, फिनलैंड। तो आई डोंट नो फिनलैंड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर टीम देखें इनकी, और ये सीरीज न्यूजीलैंड में होने जा रही है, तो इनकी टीम अपने घर में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इनके पास ना अपने घर में स्पेशली खेलने के लिए गुप्टिल, एलन, विलियमसन, फिलिप्स, चार पे पांच पे मेरे ख्याल से मिचेल आएंगे, छह पे सॉरी कॉनवे भी है ना, कॉनवे होंगे। तो
टॉप में अगर गुप्टिल कौन भी विलियमसन आपको मिल रहे तो अच्छा है, देन आपको फिलिप्स और निशम मिल जाते हैं, मिचेल मिल जाते हैं, तो एक ठीक ठाक इनका बैटिंग ऑर्डर है। नीचे में हल्का फुल्का बल्ला बजाने लिए इनके पास मिचेल सैंडली बल्ला बजाते हैं, और माइकल ब्रेसवेल तो हिटर है, हम इनको देख चुके हैं, 2 3 मैच उड़ा चुके हैं, बढ़िया बढ़िया ही। अभी इन्होंने एक मैच आयरलैंड छोड़ाया था रिसेंटली, आपने अगर देखा हो 4 5 पैसे का। तो बॉलिंग में फर्गुसन, बोल्ट और साउदी तीनों एक्सपीरियंस प्लेयर इनके पास हैं, सोडी स्पिनर और सैंटनर स्पिनर, तो इनकी टीम कंप्लीट दिखती है। एटलीस्ट इन 3 टीमों में तो नो डाउट कि ये टीम बहुत बेहतर है, और अपने घर में खेल रही है तो बहुत ही बेहतर है। वर्ल्ड कप में भी ये टीम अच्छा करती है, लेकिन ये हर साल वर्ल्ड कप में जाते हैं एज ए अंडरडॉग और अच्छा करते हैं। वेन्यू की बात करें, क्राइस्टचर्च, ये ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ना फ्लड आ गई थी वहाँ पर 2011-12 में, तो उसके बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। उसके बाद से मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ही मैच खेला गया है, जो लास्ट ईयर खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और वो मैच जो है न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छे से इजीली डिफेंड कर लिया था वहाँ पे, शायद 180 समथिंग बनाया था और वो इजीली डिफेंड कर लिया था। तो उस दिन जो देख के लगा था वो तो ये था कि सेकेंड दिन में बैटिंग करना है टफ हो जाता है, बाकी देखेंगे पिच पे क्या है। आजकल वैसे ही मैंने बताया आपको, हिस्टोरिकल चीज़ें मैटर करती नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, खेलने के बैट्स जो है बदल चुके हैं, खिलाड़ियों की टेक्निक बदल चुकी है, और जो माफिया करता है वो तो खैर आप जानते ही हो। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे 2 YouTube चैनल हैं, कुछ लोग यहाँ मुझे पता है वीनस क्रिकेट ट्विटर पे हैं, कुछ लोग वीनस क्रिकेट पीडिया पे हैं, तो मैं बता दूं दोनों ही चैनल मेरे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो किसी चैनल पर स्ट्राइक अगर है और वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, तो मैं सेम वीडियो दूसरे चैनल पर अपलोड कर देता हूँ उसी टाइम पे। तो अभी आने वाले टाइम पे मैं जो कुछ वीडियो होंगी जो वीनस क्रिकेट ट्रेडर अपलोड करूंगा, और कुछ अपलोड करूंगा वीनस क्रिकेट पीडिया पे, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी टीम है सबका अलग अलग प्रीव्यू करूंगा वर्ल्ड कप की, और वो सब मैं बारी बारी से यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम लिंक चैनल का लिंक है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली अभी कोई पहुंच सकते हैं। रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, सर्च करके बताना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर मुझे आप सीधा व्हाट्सएप करो, बात खत्म। बात करते हैं सीधी के प्रेडिक्शन की, तो जैसे मैंने पहले कहा न्यूजीलैंड जो है इस सीरीज में उसका ऊपर हाथ रहेगा, ठीक है, शाहीन अगर रेस्टेड रहा तो, शाहीन खेला तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी, क्योंकि शाहीन में दम है कि वो अकेले ही न्यूजीलैंड को खा जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट गौर करने वाला है। और अभी तक एक ही मैच हुआ था मैंने बताया आपको, और वो डेड डिफेंस हो गया था लास्ट ईयर जो हुआ था मैच, तो सेकंड इनिंग में बैटिंग इजी स्टार्टिंग के ओवर में नहीं रहती। थर्ड, डोंट फॉलो हाई चेज शुड बी द मंत्रा, ग्राउंड में बहुत हाई स्कोर का बन जाए और आप सोचो कि मैं चेज का जैकपॉट उड़ाऊंगा, तो भैया थोड़ा सा सावधानी से, मैं तो कहूंगा नहीं करना। बाकी पिच देख लेना अगर आपको लग रहा है तो, वो बहुत सी चीजें होती है आप मैच के टाइम पर डिसाइड करते हो, तो ये उसके लिए, पर जो मुझे देख के लगा था वो मैंने कहा, बाकी हम टेलीग्राम में अपडेट करेंगे उस टाइम पे। और चौथी चीज भैया, आप बांग्लादेश से कुछ उम्मीद ना रखना भैया, खामा खा वो तो पैसे उन पे है नहीं, आपके पास भी नहीं छोड़ेंगे वो। चलिए, गुड नाइट, गुड बाय, गुड लक, मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में।